हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आरएस कैरियर इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस में आपका स्वागत है। और अपनी जो सेल बायोलॉजी यूनिट है वो चल रही थी, तो उसमें हम आज बात करते हैं लेक्चर नंबर 24 की। तो इससे पहले वाले अपना जो लेक्चर है उसमें अपन ने कैंसर की बात की थी। तो कैंसर में यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट लिख रखे हैं अपने कि कौन से में कौन सी प्रोटीन ज़्यादा होती है, ये भी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है मैच द फॉलोइंग के अंदर। अब देखो यहाँ पे जैसे एक है राउस सार्कोमा, तो इसमें क्या ज़्यादा है, एस आर सी ज़्यादा होता है। तो ये देखो नाम में लिख रखा है एस आर सी, ऐसे याद रख सकते हो। फिर है एवियन इरिथ्रोब्लास्टेमा, इसमें ई आर बी प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो इसमें देखो ई आर बी, ये बस ना। म्यूरिन सार्कोमा, इसमें राफ ज़्यादा होता है, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। आरवे सार्कोमा के अंदर एच और रास, ये बस ना, ये ज़्यादा होता है, ये भी आप ऐसे याद रख सकते हो। क्रिस्टीन में के रास ज़्यादा होता है, ये भी याद हो जाएगा। फिर इसके अलावा एवियन माइलोसाइटोमा में सी मिक ज़्यादा होता है, ये बस भाई सी मिक। तो ये सारी आपको पता होना चाहिए, 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है मैच द फॉलोइंग के अंदर। अब देखो कि कहाँ से कौन सा कैंसर होता है, जैसे मान लो कोई स्किन सेल का कैंसर है उसको अपन क्या नाम देंगे, कोई मसल का कैंसर है उसको अपन क्या नाम देंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्किन सेल होता है उसके जो कैंसर है उसको बोलते हैं कार्सिनोमा, ये बस भाई कार्सिनोमा। या फिर यहाँ पे क्या हो, एंडोडर्म नाम हो तो भी उसको क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा। अगर मसल का हो, ये बस है, या फिर मेसोडर्म का हो, या फिर कनेक्टिव टिश्यू का हो, तो उसको बोलते हैं सार्कोमियर, ये बस में सार्कोमा, सार्कोमा लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके अलावा जो ब्लड है उसको बोलते हैं हिमेटोपोइटिक कैंसर, ब्लड के कैंसर को बोलते हैं हिमेटोपोइटिक कैंसर। नर्व के कैंसर को बोलते हैं न्यूरो एक्टोडर्म कैंसर, मतलब जो ब्रेन से रिलेटेड है उसके कैंसर को क्या बोलते हैं, न्यूरो एक्टोडर्म एक्टोडर्मल कैंसर। फिर है मायलोमा, इसमें बोलते हैं बी लिम्फोसाइट एंड मसल कैंसर। और जो डब्ल्यू बी सी है, ये बस में उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ल्यूको मतलब वाइट, तो वाइट ब्लड सेल के कैंसर को बोलते हैं ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है, डब्ल्यू बी सी का नंबर बढ़ जाता है। तो इस पॉइंट से बहुत बार नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, और दो तो आपको स्पेशल याद रखने हैं कि एंडोडर्म या स्किन सेल के कैंसर को बोलते हैं कार्सिनोमा, और मसल या मेसोडर्म के कैंसर को बोलते हैं सार्कोमा, ये बस नहीं। तो ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख भी रखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट के अंदर, मैच द फॉलोइंग था, तो इसको अपन ने डायरेक्टली लिख रखा है कि जैसे एपिथेलियल टिश्यू है उसके बोलते हैं कार्सिनोमा, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल के कैंसर को बोलते हैं ल्यूकेमिया। परमानेंट मान लो कोई चेंज हो जाए जीनोम, कोई सेल है उसके जीनोम में परमानेंट चेंज हो जाए, जिससे क्या हो, एबनॉर्मल ग्रोथ हो, ये बस नहीं, मतलब जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और जो मेसोडर्म कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर है उसको बोलते हैं सार्कोमा। तो ये और ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। अब अपना जो कैंसर है वो वाला टॉपिक पूरा हो गया है, ये बस मांगी। तो अब हम बात करेंगे एपोप्टोसिस की, ये नया टॉपिक है एपोप्टोसिस। इसमें दो पाथवे होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। एपोप्टोसिस का मतलब होता है सुनियोजित योजना से मरना, मतलब सेल क्या होती है, जो सेल पुरानी हो जाती है या जो कोई काम की नहीं होती उसको बॉडी खुद मारती है, ये बस मैं इसी को क्या बोलते हैं एपोप्टोसिस, बस मैं इसको और क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ, पीसीडी, सुनियोजित योजना से सेल को मरना। आप देखो यहाँ पे दो नाम होते हैं, जैसे एक तो होता है नेक्रोसिस, एक होता है एपोप्टोसिस। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में ही सेल मरती है, पर दोनों में फ़र्क क्या है। तो नेक्रोसिस क्या होता है, ये अचानक मतलब एक्सीडेंटली क्या होती है, सेल मरती है, इसमें कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, ये बस में। या फिर क्या हो, मतलब इसमें क्या होता है, जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो बाहर आ जाता है, और ये मल्टी सेल का क्या है, फीचर। जैसे मान लो कोई नीडल सूख गई फिंगर के अंदर, तो उसके उसकी वजह से क्या होता है, नेक्रोसिस, ये बस में। तो इसमें पेन भी दर्द भी होता है। और जो एपोप्टोसिस है वो क्या होता है, प्री प्लान्ड होता है, उसमें प्रॉपर सिग्नलिंग चलती है, एटीपी की इसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी सेल को मारने के लिए। इसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है वो पैक रहता है किसमें, एपोप्टोटिक बॉडीज में, ये बस में। और ये सिंगल सेल का क्या है, फीचर। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, मतलब बात है क्या है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम जब मास ऑफ सेल क्या का क्या होता है, एपोप्टोसिस, ये बस नहीं, मतलब उस टाइम क्या होता है, जैसे मान लो पूरा हैंड है उसमें फिंगर बनानी है, तो पूरा को पूरा यहाँ पे क्या होता है, एपोप्टोसिस। तो देखो यहाँ पे मास ऑफ सेल क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है, ये बस नहीं, इसी ये क्या है, इसका एक्सेप्शन। और वैसे क्या है, ये सिंगल सेल का फीचर। तो दोनों में ये फ़र्क है, इसमें दर्द होता है, इसमें दर्द नहीं होता। ये तो मान लो कोई नीडल सूख जाए उसकी वजह से क्या होता है, नेक्रोसिस, और ये बॉडी के अंदर प्रॉपर सिग्नलिंग के थ्रू क्या होती है, एपोप्टोसिस। अब हम बात करते हैं एपोप्टोसिस की, ये बस में। तो एपोप्टोसिस में जो वैसे जो पहला ही है उसका नाम एक्सट्रिंसिक पाथवे से हो सकता है या फिर इंट्रिंसिक पाथवे से हो सकता है। तो अब देखो एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, उसके लिए अपन पहले एक बार बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे सेल के अंदर कोई एंजाइम मिलेगा कैसपेज, ये बस में, और कैसपेज ही क्या करेगा, एपोप्टोसिस मतलब सेल को मारेगा।
तो कैसपेज का मतलब क्या है, देखो इसी का मतलब है कैटलिटिक साइट। कैटलिटिक साइट का मतलब क्या होता है, वो अपना काम करती है। तो इस पे कौन सा अमाइनो एसिड होता है, सिस्टीन। ये बस में सिस्टीन अमाइनो एसिड होता है, और ये क्या करता है, एस्पार्टिक एसिड से कट करता है। तो ए एस का मतलब यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड, मतलब कोई सिस्टीन अमाइनो एसिड है कैटलिटिक साइट पर, वो एस्पार्टिक एसिड से कट करेगा। और ये क्या है, प्रोटीज है, मतलब प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला। तो देखो यहाँ पे सी लिख रखा है, सिस्टीन के पास कौन सा ग्रुप होता है, एस एच ग्रुप होता है। ओनली सिस्टीन क्या बना सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये कट कहाँ से करेगा, डी से, मतलब एस्पार्टिक एसिड से। तो अब क्या होता है, ये कैसपेज क्या करता है, ये जो साइटोस्केल्टन है जितना भी सेल का, और बहुत सारे जो प्रोटीन है, साइटोस्केल्टन मतलब माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट वगैरह, तो इनको क्या करते हैं, डिग्रेड। तो कैसपेज क्या करता है, जो कैड है, सी ए डी, ये बस में कैड का मतलब कैसपेज एक्टिवेटेड डीएनएज, मतलब इसको कौन एक्टिवेट करता है, कैसपेज करता है। और इसका नाम क्या है, डीएनएज, मतलब डीएनए को ब्रेक डाउन करने वाला। तो ये रहता है इनएक्टिव। अब कैसपेज कैड को करा देता है एक्टिव, अब ये कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, और डीएनए को क्या करा देगा, डिग्रेड। ये बस मैं डिग्रेड करा दिया। इसके अलावा जो वेरियस प्रोटीन साइटोस्केलेटन है उनका भी ये क्या करेगा, डिग्रेडेशन। फिर क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं, ये जो बाहर स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ब्लेबिंग। और क्या बनने लग जाएगी, एपोप्टोटिक बॉडीज़। और इन एपोप्टोटिक बॉडीज़ का अपन क्या करेंगे, मतलब छोटे छोटे सर्कुलर पैक पैक कर लिया पूरे साइटोप्लाज्म को, और अब इसको अपन एनगल्फ करा देंगे किसके साथ, मैक्रोफेज के साथ। और मैक्रोफेज में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, तो इसको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन कर देंगे। तो ये तो क्या होगी, कुछ बेसिक बातें होगी। अब इसकी बात करते हैं, जो अपना एक्सट्रिंजिक पाथवे है उसका, यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सट्रिंजिक वाला, बस एक्सट्रिंजिक आप लिख लेना। तो इसमें क्या होता है कि जो किलर सेल है, मान लो कोई किलर सेल है, जो क्या नाम है उसका, लिम्फोसाइट, उसके पास एक लिगेंड होगा जो मतलब रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, जिसका नाम क्या है, फास। ये रिसेप्टर पे बाइंड करता है, जिस सेल के ऊपर रिसेप्टर है उसका नाम क्या है, डेथ रिसेप्टर। यहाँ पे डेथ रिसेप्टर या क्या बोलते हैं, फास रिसेप्टर। तो देखो तीन नाम दे रखे हैं, फास रिसेप्टर, ट्रेल और टीएनएफ अल्फा। ये भी नेट में क्वेश्चन पूछा है कि ये तीनों क्या है, तो क्या है, ये डेथ रिसेप्टर। इस डेथ रिसेप्टर पे एक डोमेन मिलता है, जिसको बोलते हैं डेथ डोमेन। इससे आके कौन बाइंड करे तब ये एक्टिव होता है, इससे जब एफ ए डी डी बाइंड करता है, मतलब फास्ट एक्टिवेटेड डेथ डोमेन, ये बाइंड करता है, तब क्या होता है, आगे का प्रोसेस होता है। यहाँ पे देखो इस एफ ए डी डी के पास भी दो डोमेन है, एक तो है डेथ डोमेन और एक है डी ई डी, डेथ इफेक्टर डोमेन। और यहाँ पे जो कैसपेज 8 है वो भी इनएक्टिव रहता है, और कैसपेज 3 है वो भी इनएक्टिव रहता है। इस कैसपेज 8 को बोलते हैं इनिशिएटर, मतलब जो शुरू में एपोप्टोसिस में काम आते हैं, और कैसपेज 3 को बोलते हैं एक्सक्यूशन एक्सक्यूटिव, ये बस में जो अपना काम करता है। तो अपना जो मेन काम है वो कौन करता है, कैसपेज 3। अब क्या होगा, ये देखो यहाँ पे डेथ डोमेन के साथ ये एफ ई डी डी बाइंड कर गया, तो इससे क्या होगा, जो कैसपेज और अदर प्रोटीन है वो भी यहाँ पे आके बाइंड करेंगे। और क्या होगा, यहाँ पे अपना जो एपोप्टोसिस का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रो कैसपेज 8 है, वो कैसपेज 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक्टिव। और कैसपेज 8 को अपन क्या बोलते हैं, इनिशिएटर। कैसपेज 8 आगे जाके क्या करेगा, प्रो कैसपेज 3 को कैसपेज 3 में चेंज करेगा, ये बस में, और ये क्या हो जाएगा, एक्टिव। पहले कैसे रहता है, इनएक्टिव। और इस कैसपेज 3 को अपन नाम देते हैं एग्जीक्यूटिव, मतलब अब ये अपना काम करेगा। तो कैसपेज 3 क्या करता है, ये प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है, और जो आई कैड और कैड है वो आपस में बाइंड रहते हैं, मतलब आई कैड क्या करता है, इस कैड को इनएक्टिव रखता है। तो आई कैड को ये कैसपेज 3 कहाँ भेज देता है, यूपीएस में, और जो भी यूपीएस में जाएगा उसका क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन। अब यहाँ से कैड क्या हो गया, फ्री हो गया और एक्टिव हो गया, मतलब कैसपेज एक्टिवेटेड डीएनएज। अब डीएनएज है तो डीएनए को ब्रेक डाउन करेगा, और डीएनए क्या होगा, डिग्रेड। डीएनए भी डिग्रेड हो गया, प्रोटीन भी डिग्रेड हो गया, रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस। इससे जो सेल है वो मर जाती है। अब देखो अपन अब पढ़ेंगे जो अपना इंट्रिंसिक पाथवे है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो नाम दे रखे हैं, पिकनेसिस, पाइकनेसिस और करियोटेक्सिस। तो पाइकनेसिस तो क्या होता है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन, ये बस है, मतलब क्रोमेटिन कैसे पैकेज करता है। और करियोरेक्सिस होता है कि जो डीएनए है उसका डिग्रेडेशन या फ्रेगमेंटेशन, मतलब उसको टुकड़ों में तोड़ना, ये भी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम एक्सट्रिंसिक पाथवे है एपोप्टोसिस का, वो अपन ने पढ़ लिया। तो अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में, ये बस में, मतलब सेल के अंदर ही कुछ ऐसा होगा जिससे क्या चलेगा, इंट्रिंसिक पाथवे। तो ये भी किसका है, एपोप्टोसिस का है। इसमें रोल किसका होता है, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया का। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रोटीन दे रखे हैं, वो आपको याद होनी चाहिए, ये भी नेट में पूछी हुई है। जैसे एक तो थे एंटी एपोप्टोटिक, मतलब जो एपोप्टोसिस नहीं कराना चाहती, उसमें दो नाम आते हैं, बी सी एल टू और बी सी एल एक्स और बी सी एल बी, ये वैसे ये दो नाम आते हैं।
फिर जो प्रो एपोप्टोटिक है, मतलब जो आगे जाके एपोप्टोसिस कराने का काम करेगा, उसमें दो डोमेन है, एक तो BS123 डोमेन, एक है BS3 डोमेन। तो BS123 डोमेन में दो प्रोटीन है, बैक्स और बैक, और BS3 डोमेन में बेड बीम बिक बैड प्यूमा नोसा फोक्सो, ये पहले कैसे रहती है, इनएक्टिव। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे और आगे नाम आएंगे, एक तो आएगा APF एपोप्टोटिक प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर, और MOFP नाम आएगा जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। तो इनकी भी हम बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, यहाँ पे जो BCL2 और BAK वो इनएक्टिव थे स्टार्टिंग में, ये बस भाई, तो वो क्या हो जाते हैं, BCL2 और BAT हो जाते हैं एक्टिव। और यहाँ पे क्या होता है कि एक चैनल होता है जिसका नाम है BAK पोलीमराइजेशन, ये क्या करते हैं, चैनल का फॉर्मेशन करते हैं। ये यहाँ पे नाम दे दिया MOMP, MOMP अभी पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। इससे क्या होता है, जो साइटोक्रोम सी है वो बाहर आता है, साइटोक्रोम जो सी है वो किसके साथ बाइंड करेगा, APF के साथ। APF कौन है, एपोप्टोटिक प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर, मतलब आके जाके प्रोटीज को एक्टिवेट करेंगे। तो इसके साथ और कौन बाइंड आएगा, DATP आएगा, DNA का ATP आएगा, ये बस में एनर्जी के लिए। तो ये क्या करेगा, जो साइटोक्रोम सी है वो बाइंड हो जाता है ए और क्या हो गया DATP के साथ, यहाँ पे ATP का क्या हो गया, हाइड्रोलाइसिस। ये क्या करेगा, प्रो कैसपेज 9 को कैसपेज 9 में चेंज कर देगा, और जो कैसपेज 9 है वो करे प्रो कैसपेज 3 को कैसपेज 3 में कर देगा, और कैसपेज 3 अपना काम करेगा और कैसे कैसे सेम टू सेम एक्सट्रिंसिक, मतलब DNA को भी डिग्रेड कर देगा, जो वेरियस प्रोटीन है उनको भी डिग्रेड कर देगा। बस जब APF1 DATP के साथ होता है तब इनएक्टिव रहता है ये बस में, और जब DNA डैमेज हो जाता है तब कौन काम आता है, BAD। अब देखो जो अभी मैंने बताया उसको अपन ने थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में पहले क्या होता है, एंटी एपोप्टोटिक BS123 डोमेन के साथ क्या रहता है, बिजी, ये बस में कहाँ पे, मेम्ब्रेन में भी और साइटोप्लाज्म में भी। फिर क्या होता है, जब DNA डैमेज या फ्री रेडिकल बढ़ने पर क्या होता है, जो BS3 डोमेन वाली जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन थी वो एक्टिवेट हो जाती है, जो अपन ने ऊपर पढ़ी थी। ये जो BS3 डोमेन वाली जो फैक्टर है वो एंटी एपोप्टोटिक के साथ बाइंड करते हैं, और जो BS123 डोमेन की बैक्स और बैक थे वो क्या हो जाते हैं, फ्री। अब क्या होता है, ये जो बैक है BAK वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में चैनल फॉर्मेशन करेगा, जिससे क्या होगा, जिसे क्या कहते हैं, MOMP, माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन परमीबिलिटी कहते हैं। MOMP से कौन आएगा, साइटोक्रोम सी और अदर प्रोटीन आएगी साइटोप्लाज्म के अंदर, वहाँ पर क्या होता है, जो APF DATP होता है उससे क्या होता है, साइटोक्रोम सी से जब रिएक्शन होती है तो वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, एक्टिवेट। फिर इससे क्या होगा, ATP रिलीज हो जाएगा, और प्रो कैसपेज 9 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसपेज 9 में। फिर कैसपेज 9 क्या करेगा, प्रो कैसपेज 3 को कैसपेज 3 में, और कैसपेज 3 सेम रोल करेगा एक्सट्रिंसिक जैसे, मतलब DNA को डिग्रेड कर देगा, और जो अपने प्रोटीन है वेरियस प्रोटीन उनको भी क्या करेगा, डिग्रेड। अब देखो ये जो एपोप्टोसिस है वो अपना इतना पूरा हो चुका है, पर एपोप्टोसिस के बारे में कुछ अलग बातें भी है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है कि अपन लिविंग सेल और डेड सेल है उसको कैसे डिस्क्रिमिनेट करें, मतलब माइक्रोफेज है उसको थोड़ी पता कैसे पता चलता है कि ये लिविंग सेल है और ये डेड सेल है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एसिमेट्रिक, मतलब बाहर कुछ अलग होगा अंदर कुछ अलग होगा। तो यहाँ पे देखो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो माइक्रोफेज है, ये पता माइक्रोफेज के पास क्या होता है, फॉस्फोटाइडिल सेरीन का रिसेप्टर होता है। अब मेनली क्या होता है कि जो फॉस्फोलिपिड सेरीन है वो एक्सक्लूसिवली इनर मेम्ब्रेन पर रहता है, मतलब अंदर की साइड रहता है, इसको बोलते हैं आउटर लीफलेट, इसको बोलते हैं इनर लीफलेट प्लाज्मा, ये बस में प्लाज्मा लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस पे क्या होता है कि अगर मान लो गलती से बाहर से लग गया ना ये फॉस्फोलिपिड सेरीन, तो उसको अंदर कौन ले आता है, फ्लीपेज। और फ्लीपेज कैसा टाइप का पंप है, पी टाइप पंप है, ये अपन ने पहले पढ़ लिया, ये बस में। और कोई चीज़ मान लो गलती से अंदर चली जाए तो उसको बाहर कौन लेके आता है, फ्लोपेज, जो क्या है, ABC ट्रांसपोर्टर। और इसमें मूवमेंट चलता रहता है जैसे रोटेटरी मूवमेंट, एक ही लीफलेट के ऊपर लेटरल, एक लीफलेट के ऐसे, और फ्लिप फ्लॉप अंदर और बाहर, ये बस में आ गई। तो ये क्या है अपना, तो फॉस्फोलिपिड सेरीन है उसकी बात कर ली, ये होता है। अब क्या होता है कि मान लो लिविंग सेल है उसमें फॉस्फोलिपिड सेरीन अगर बाहर से लागे गलती से, तो उसको फ्लिपेज क्या करेगा, अंदर वापस ले आएगा, और माइक्रोफेज यहाँ पर बैठा भी होगा तो उसको फ्लिप जो फॉस्फोलिपिड सेरीन है वो नहीं दिखेगा, ये बस में। लेकिन इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ATP की। अब मान लो सेल क्या होगी, डेड, तो उसमें ATP नहीं है। अब मान लो कोई चीज़ गलती से ये फॉस्फोलिपिड सेरीन बाहर से ला गया, तो उसको अंदर जाने के लिए भी क्या चाहिए, ATP चाहिए, ये बस है इस फ्लीपेज एक्टिविटी के। लेकिन अब ATP नहीं है तो फॉस्फोलिपिड सेरीन कहाँ रहेगा, बाहर।
अब माइक्रोफेज आएगा तो उसके पास कौन सा रिसेप्टर है? फॉस्फेटिडिल सेरीन रिसेप्टर। वो फॉस्फेटिडिल सेरीन के साथ बाइंड करेगा और समझ जाएगा कि अगर बाइंड हो चुका है मतलब ये सेल कैसी है, डेड। तो इस सेल को क्या करेगा, एनगल्फ कर लेगा मैक्रोफेज और क्या कर देगा, डिग्रेड। ये बात समझ गई? तो ये पॉइंट है कि सेल कैसे डिस्क्रिमिनेट करती है कि लिविंग सेल है या डेड सेल है, किसके थ्रू? फॉस्फेटिडिल सेरीन के थ्रू। अब यहाँ पे एक नाम और दे रखा है, टनल एशिन, टर्मिनल यूरेसिल ट्रांसफ्रेज निक एंड लेबिंग। ये किसके थ्रू होता है? TUT, टर्मिनल यूरेसिल ट्रांसफ्रेज। इसमें क्या होता है, मान लो कोई नॉर्मल या अर्ली सेल है तो यहाँ पे देखो जैसे अपने DUTP, वैसे इनको रेडिएबल किया, ये बस माई। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल या अर्ली सेल है तो उसमें कम फ्लोरेसेंस आएगी, और मान लो अब उसका एपोप्टोसिस होने वाला है, मतलब कौन सी लेट एपोप्टोटिक सेल है, तो इसमें जो DUTP है उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कौन काम कर रहा है, TUT, टर्मिनल यूरेसिल ट्रांसफरेज। इसमें क्या मिलेगी अपन को, ज़्यादा फ्लोरेसेंस मिलेगी। तो आपको यही याद रखना है कि नॉर्मल या अर्ली सेल में क्या मिलेगी, लेस फ्लोरेसेंस, और लेट एपोप्टोटिक सेल्स में क्या मिलेगी, मोर फ्लोरेसेंस। यही नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख रखा है, जो PI है, प्रोपीडियम आयोडाइड, वो क्या होता है, लिविंग सेल के अंदर बाहर चला जाता है। ये बस मैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे NTPS एंटीबॉडी, एंटी फॉस्फेटिडिल सेरीन एंटीबॉडी, ये बस में। तो इसमें क्या होता है, अंदर होता है तब तो ठीक है, तब तो लिविंग सेल है, ये बस में। लेकिन जब बाहर होता है तब कौन बाइंड कर जाती है, NTPS एंटीबॉडी, और कौन बाइंड करता है, FITC, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट ऑर्गेनिक्सिन 5, किसके साथ, एंटीबॉडी के साथ, ये बस में। तो ये बाइंड कर जाते हैं, इनके एकदम गहराई में जाने की आपको जरूरत नहीं है, बस जितना ये लिख रखा है उतना ही आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये कोई मतलब ज़्यादा पढ़ाते नहीं है, लेकिन यहाँ से भी नेट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसका नाम क्या है, 2D प्लॉट, जो किसके बीच होता है, PI, ये बस में, PI के बीच और FITC और ऑर्गेनिक्सिन 5 के बीच। PI मतलब फिनाइल आइसोथायसाइनेट। इसमें देखो यहाँ पे जो अपने चार बना रखे हैं उनमें कौन कौन होता है, यही बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे होता है नेक्रोसिस, मतलब जैसे सेल मान लो नीडल चुभ गई, फिर उससे जो सेल मरती है उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। यहाँ पे कौन आएगा, नेक्रोसिस। यहाँ पे है कि लिविंग सेल मतलब अभी ये सर्वाइव है, मतलब जिंदा है। यहाँ पे अर्ली एपोप्टोटिक सेल मतलब इसका आगे जाके क्या होगा, एपोप्टोसिस, और ये लेट एपोप्टोटिक सेल मतलब इसका एपोप्टोसिस होने वाला है। तो नेक्रोसिस, लेट एपोप्टोटिक सेल, लिविंग सेल और अर्ली एपोप्टोटिक सेल, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, कुछ एक्स्ट्रा बातें जो अपना सिलेबस है, मतलब जो सेल वाइज है वो तो इंट्रेंसिक पाथवे तक ही पूरा हो चुका था। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और है, एपोप्टोसिस इन सी एलिगेंस, ये बात समझ। तो इसमें क्या होता है, सी एलिगेंस के अंदर मेमल्स में तो क्या होगा, पहले P53 एक्टिव होगी, वो क्या करेगी, BS3 को एक्टिव करेगी, ये BCL2 को क्या कर देगी, ब्लॉक। अब BCL2 APFN को ब्लॉक कर देती है, लेकिन अब ये खुद ब्लॉक है तो ब्लॉक नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पे कौन है, APFN क्या रहेगा, एक्टिव, और ये आगे जाके के स्पेस को एक्टिव करेगा और ये अपना काम करेगा। ये तो बात होगी मेमल्स में। अब इसकी होमोलोगस प्रोटीन किस में होती है, सी एलिगेंस के अंदर। सी एलिगेंस में क्या होता है, इस P53 के ज्यादा है CEP, ये किसको, EGL1 को एक्टिव करता है। EGL1 CED9 को इनएक्टिव कर देता है, CED9 CED4 को ये वैसे ब्लॉक करता था, लेकिन अब ये खुद ब्लॉक है तो ब्लॉक नहीं कर पाएगा, तो CED4 कैसी रहेगी, एक्टिव। अब जो CED4 है वो CED3 को क्या करेगा, एक्टिव, और ये वही काम करेगा जैसे प्रोटीन को डिग्रेड, DNA को डिग्रेड। तो आपको पता होना चाहिए कि P53 से कौन आता है, CEP, PS3 की जगह EGL1, BCL2 की जगह CD9, AFAF1 की जगह CD4 और GASPase की जगह CD3, ये नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये बस भाई, तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए कौन सा होमोलोगस प्रोटीन्स है। GASPase की कौन होती है, CD3, किसमें, सी एलिगेंस के अंदर। तो अगर आपको यहाँ पे जो अपना है, ये बस भाई, तो अपनी जो है सेल वाली जो यूनिट है वो पूरी हो चुकी है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब RS करियर इंस्टीट्यूट। और अब है जो अपनी नई यूनिट स्टार्ट होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।